अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग आज आपको दिखाते हैं गाय, और वो वाली गाय, नस्ली गाय जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और वीवीआईपी आए आपको दिखाते हैं। ये छोटा सा हमारा स्टाफ है, ये भी आप चेक करें। और यहाँ पे एक देहात के हिसाब से बहुत बेहतरीन माहौल बनाया गया है। हर दुकानदारी, होटल, हर चीज़ है। और ये छोटा सा लान बनाया गया है, बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पे बैठने के लिए, ताज़ा हवा लेने के लिए बहुत अच्छा माहौल है। ये आप देखें, अभी आए, चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। ये गाइस, हम डेरे के अंदर एंट्री हो रहे हैं। ये मेन गेट है डेरे का। यहाँ पे ये मुकम्मल डेरा बनाया गया है। ये डेरा देखें हमारा जी। और हम आपसे जानकारी भी देते, हमारे ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? खैर, क्या ये सर जी बताएंगे, आप बताएंगे इनके गाय के बारे में। सर, ये कौन कौन सी नस्ल है, क्या है? हाँ ठीक है, बुलायो। हाँ सही ही जो सो पंजो सिंधी मलीर। अच्छा अच्छा, गाड़ी मलीर। अच्छा, गाड़ी मलीर, गाड़ी मलीर। सही ही असा के साईं शेरमन शाह बादशाह, साईं मोहम्मद शाह नासरियारो। सही ही दरगाह है मटियारी। सही सही, मेरे पास ते उन जे फर्जंद साईं शेरमन शाह बादशाह साईं गिफ्ट कई। सही, गाड़ी मलीर है। ठीक है, देख रहे हैं गाइस इनकी नस्ल है, ये रेड वाली मलीर इनको बोला जाता है। और इनके हर, ये आप देखें, कान में टोकन नंबर लगे हुए हैं। ये आप देखें, ये सारा एक ही नस्ल है इनका। ए नंबर, अच्छा नंबर डॉक्टर लगाया। अच्छा ये नंबर, अच्छा अच्छा, ये जो इनके कानों में टोकन लगाए गए हैं, ये निमाश की वजह से। हाँ सर, हाँ ठीक है। तो ये टोकन लगाए गए हैं इनके, ये निमाश की वजह से। और ये इनकी नस्ल आस्ता आस्ता बढ़ रही है। तो आप देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी सपोर्ट करें। आगे छोटे छोटे क्लिप आपको और भी दिखा दें। हेलो गाइस, हम आज फिर इसकी एवरेज पूरी होने पे और इसके पत्थर तब्दील करने पे आज फिर इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। आज फिर इसके पत्थर निकाल रहे हैं और उनकी दोबारा सेटिंग करते हैं। ये देखें आप, ये इनकी फिर मेंटेनेंस की इनको ज़रूरत हो गई है। अभी इनकी फिर मेंटेनेंस की जाएगी। ये निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाइस, हमने दोनों इसके पत्थर निकाल दिए, अब इनकी पत्थरों की मेंटेनेंस होगी। मेंटेनेंस होने के बाद फिर हम इसको लगाएंगे और इसके बाद फिर हमारा काम ठीक हो जाएगा। ये पत्थरों का काम शुरू हो गया, इनके अभी मेंटेनेंस करते हैं, उसके बाद इनकी सेटिंग हो जाएगी, दोबारा फिर इसको लगा के और हम चक्की चलाएंगे। ये गंदम काटने वाली लेबरें हैं जो कि बहुत दूर दूर से आती हैं, और कैसे यहाँ पे गुजारा करती हैं, कैसे यहाँ अपनी झोपड़ियाँ पे अपने तंबू लगा के और उनमें गुजारा करती हैं, अपनी मजदूरी करते हैं अपने पेट की खातिर। दोपहर का टाइम है, गर्मी भी हो रही है, और लोग देखें किस तरह अपनी मेहनत मजदूरी के लगे हुए हैं। देहात का माहौल जो है ना, बहुत टफ माहौल होता है। काम की सीजन में बहुत काम सारा, बहुत बहुत सारा काम होता है। ये गाइस, आज का माहौल देखें, देहात का माहौल। आज हम फिर आ गए हैं, यहाँ पे गंदम निकल रही है, मशीन लगी हुई है, ट्रैक्टर लगा हुआ है, साथ में लेबर लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे माल डंगर वाले लोग भी फिर रहे हैं, जो अपने बकरियों को, गाय को, भैंसों को चारा खिला रहे हैं। उसके अलावा
چھوٹے چھوٹے بچے بھی پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں وہ گندم کے دانے لینے کے لیے آپ کو پتہ ہے نا جب یہ مشین نکل جاتی ہے تو ان کے دانے تقسیم کیے جاتے ہیں بچوں کو اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں بچے وہ بھی چوننے کے لیے پھر رہے ہیں اپنے جا کے ان کو کٹائی کر کے چنائی کر کے اور ان میں سے اپنا خرچہ پانی نکالتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سائڈ پہ یہ لیبر لگی ہوئی ہے یہ یہاں سے اٹھا اٹھا کے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اکٹھے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں